नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम कुद्रुम के चटनी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कुद्रुम के चटनी बनाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। 250 ग्राम कुद्रुम लिए हैं, 10-15 लहसुन के कली, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, धनिया 1 छोटी चम्मच और जीरा 1 छोटी चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे और 1 चम्मच सरसों का तेल। तो सबसे पहले कुद्रुम को गुठली से अलग कर लेंगे। इसे इस तरह से निकाल के इसे निकालेंगे और इसे हटा देंगे। इसी तरह से सारे कुद्रुम को गुठली से अलग कर लेंगे। सारे कुद्रुम को गुठली से अलग कर लिए हैं। अब इन मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को छोड़ के इन सभी को हल्का फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे ज़्यादा डार्क नहीं भूनेंगे और अब इन्हें मिक्स जार में डाल के पीस लेंगे। हरी मिर्च को भी डाल देंगे। अब इसमें कुद्रुम को डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच ज्यादा। अब इसे पीस लेंगे। चटनी को पीस लिए है, अब इसे निकाल लेंगे। कुद्रुम के चटनी बनके तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।